जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज के सत्संग करवाने के लिए, क्योंकि ये विश हर किसी की होती है कि हम गुरु जी का सत्संग करें, लेकिन इतनी पावर या इतनी स्ट्रेंथ लेना वो बहुत मुश्किल है। वो गुरु जी की कृपा हो तभी मिलती है। सो आज गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, वो स्ट्रेंथ दी, तो आप सबके साथ में आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जर्नी कहूँ या गुरु जी ने मुझे बुलाया, गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया 2016 नवम्बर में। वो तब जब मेरे मेरी बेटी काफी प्रॉब्लम में थी, उसको फिजिकल प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा। उस समय हम लोग काफी परेशान थे। हमारे घर रवि अंकल आए, सॉरी विशाल अंकल आए। उन्होंने मुझे बताया कि एक भाभी, एक गुरु जी हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो अगर जब भी हम जाते हैं वहां से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो क्या आप वहां पर जाना पसंद करोगे? ये पॉसिबल है? मैंने कहा आप बताओ। तो विशाल अंकल ने मुझे गुरु जी का सब रूप दिखाया, और गुरु जी का सब रूप वो था उस उनके फोन में जिसमें 9 पिक्स थी गुरु जी की। तो वो सारी इतनी सुरूर वाली थी गुरु जी की पिक्स। एक बार तो मैं देख के मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि शायद गुरु जी की इतनी नूरी आंखें हैं, मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद मतलब विजन वाइज गुरु जी सूरदास हैं। माफ कर देना गुरु जी, मेरे से इतनी भूल हो गई। मुझे पता नहीं था कि आप तो सब कुछ अंदर बाहर से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये मेरी छोटी सोच, जिसके लिए मैं बहुत माफी मांगती हूँ आपसे, बार बार माफी मांगती हूँ। तो उसके बाद जैसे और उन्होंने मुझे दिखाए गुरु जी के स्वरूप, तो एक स्वरूप देख के जिसे हम रॉक स्टार स्वरूप कहते हैं, मैंने कहा ये तो बिल्कुल शान पिक्चर के ना शाकाल लग रहे हैं। तो ये ऐसी सोच मेरे मन में जब मैं पहली बार मैंने गुरु जी के स्वरूप देखे, क्योंकि मुझे तब तक कुछ भी पता नहीं था, लेकिन विश्वास पूरा किया कि हाँ जैसे अंकल बता रहे हैं कि जरूर मेरी बेटी ठीक होगी। और हमने वहीं से कहते आप ना मंडे को जब भी बड़े मंदिर जाते हैं तो वहां पर आपकी हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो हेल्थ इश्यूज तो थे मेरी बेटी को। मैंने कहा ठीक है, हमने घर से ही विश किया, वो बिल्कुल ठीक थी 16 इयर्स तक अपने। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, टॉपर ऑफ द स्कूल, बट 16th ईयर में उसको पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या था, वो प्रॉब्लम थी, कुछ काला जादू था, कुछ हवा थी, मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद उसकी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, उसकी नर्व्स डैमेज होती चली गई, उसकी विजन खत्म हो गई, उसका स्पाइन वीक होता चला गया, और तब हम बहुत ज्यादा परेशान थे। तब गुरु जी के हमने विश किया कि हम गुरु जी वहां पर आएंगे, आप हमारी हेल्थ ब्लेस करना। उसके बाद हम मतलब 2017 फेब में गुरु जी के बड़े मंदिर गए, गुरु जी ने कृपा की, हमें बुलाया। लेकिन गुरु जी के बड़े मंदिर के एंटर करते ही, जैसे वो तब वो व्हील चेयर पर थी, जैसे ही हमने एंटर किया तो वो एकदम से कांपने लग गई, शिविंग करने लग गई। मम्मा, वो मुझे घूर रहे हैं। मैं बड़ी हैरान हो गई कि यहाँ पर कौन घूर रहा है इसको। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा यंग गर्ल है, व्हील चेयर पर है, हो सकता है लोग देख रहे हो। मैंने इधर उधर सबकी तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा, सब अपनी मस्ती में थे क्योंकि गुरु जी के द्वारे थे। तो मैंने कहा बेटे कोई नहीं देख रहा, हालांकि उसकी विजन तब मतलब 0% ही समझो थी। कहती नहीं मम्मा, मेरे को सब घूर रहे हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहती नहीं वो ऊपर से घूर रहे हैं, जहां पर वो राउंड राउंड जो ग्रिल लगा हुआ है ना वायर वाला, वहां से। तो वो गुरु जी की नजरें थी जिन्होंने उसको पहली बार में देखा, और वो लगातार 15 मिनट तक कांपती रही, और मैं भी उसको लेके व्हील चेयर पर हम गए, अंदर जाके गुरु जी के दर्शन किए, ब्लेसिंग्स ली उनकी, और गुरु जी ने हमें वहां जाकर बहुत स्पेशल फील कराया। जैसे हम वो व्हील चेयर पर थी तो कहती मैं थोड़ा उठ के चली जाऊंगी, तो अंकल्स ने सपोर्ट करी, हमें अंदर ले गए बड़े हॉल में, एक साइड पे जहाँ पर गुरु जी का बड़ा स्वरूप है वहां नीचे बिठाया, और बड़े अच्छे से हम बैठे, आधा घंटा लगभग हम वहां बैठे, दर्शन किए गुरु जी के और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली।
और गुरुजी ने अपनी बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हमें वहां से देनी एक तरह से शुरू कर दी कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। हम आए, उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी हमें कुछ मतलब ऐसा नेगेटिव नहीं बोला, पॉजिटिव रिस्पांस देते उसने मेडिसिन लिख के दे दी और कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं बोला कि हाँ कुछ चले जाओ। हम भी काफ़ी पॉजिटिव होकर वहाँ से आए डॉक्टर के पास से। और फिर नेक्स्ट वीक फिर गुरुजी के जैसे डॉक्टर ने बुलाया तो हम तो चाह ही रहे थे कि जैसे डॉक्टर हमें जल्दी जल्दी बुलाए और हम इसी बहाने दिल्ली जाएं और गुरुजी के दर्शन करें, क्योंकि हम लोग यमुनानगर में हैं हरियाणा में। और इस तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी के पास जाने का। और जैसे जैसे वो जाती गई थोड़ा बेटर फील करती गई, पॉजिटिविटी बहुत आई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अब उसके दिमाग में और मेरे दिमाग में कि अब हमने बिल्कुल ठीक हो जाना है क्योंकि अब हम गुरु जी के पास हैं। लेकिन क्योंकि हम से पहले ठाकुर जी से जुड़े हुए थे, राम शरणम से दीक्षित थे, तो दिमाग में बहुत सारे सोच विचार और फैमिली सारी हमारी ठाकुर जी की सेवा में, मेरे मदर, तो जैसे भी उन्होंने कहना एक पर विश्वास करना चाहिए, ठाकुर जी ने नहीं छड़ना चाहिए था, तुसी अपने रब ते विश्वास करो। ये चीज़ें मुझे बहुत 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 ज़्यादा परेशान करती थी कि मैं क्या करूं, मैं किसकी बात सुनूं और क्या करूं, लेकिन मुझे कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लगे हुए थे गुरु जी की भी, गुरु जी से भी अभी इतना समझ नहीं थी कि गुरु जी से भी कैसे बात करनी है। लेकिन जैसे ही हम बड़े मंदिर से आए, हमारे पड़ोस से सामने कोई अटेंडेंट थे किसी के, उन्होंने जैसे ही देखा गुरु जी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ तो भाग के आई उसने, हमें एक यहाँ पर गुरु परिवार है यमुनानगर में उसके साथ मिलवा दिया। पलक गढ़ आंटी का है, उन्होंने बनाया है, परिवार तो गुरु जी का ही है लेकिन उन्होंने बनाया। तो हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दिया। वहाँ मंथली सत्संग पलक आंटी के घर होता था और हम हर मंथली सत्संग में वहाँ जाते थे। उसके अलावा भी जहाँ भी सत्संग होना हमने ज़रूर जाना और हमेशा गुरु जी ने बड़ा स्पेशल फील कराना। जाके मैंने, हम दोनों ने आके, मैंने और मेरी बेटी ने बात करनी कि हमें वहाँ पर बैठने के लिए सोफ़ा मिलता है हर बार, कितना स्पेशल फील कराते हैं। तो जो लोग बाद में आते हैं नीचे बैठते हैं या पीछे बैठते हैं, हम बिल्कुल गुरु जी के चरणों के पास बैठते हैं। तो हम इसमें बहुत खुश थे और उसकी भी कैपेबिलिटी जो अपनी तकलीफ सहने की थी वो बढ़ गई थी। लेकिन ये चीज़ें हमें तंग करती थी जब बार बार कोई कहता था ना आप ठाकुर जी की सेवा में हो, जबकि मैंने ठाकुर जी की सेवा करना कभी भी बंद नहीं किया। टिल टुडे मैं आज तक ठाकुर जी को गुरु जी रूप समझ के सेवा करती हूँ और तब जब तक गुरु जी करवाएंगे करती रहूँगी। तो मैंने हर बार यही कहना, लेकिन मन में भी घबराहट क्योंकि मैंने दीक्षा ली हुई थी राम शरण वाले पिताजी से। तो इसी चीज़ों का सोचते हुए लोग पहले, अब तो बहुत कुछ समझ आ गया लेकिन पहले पता नहीं था। तो जैसे सब कहते थे कि नहीं गुरु जी आपको जवाब देते हैं, मुझे तब नहीं पता था। तो उसके बाद जैसे फेब में हम गए, मार्च में यहाँ एक सत्संग अटेंड किया, 13 अप्रैल को एक और सत्संग था आंटी के घर ही, तो मैं वहाँ पर गई मेरी डॉटर के साथ। और वहाँ पर जाके मैंने हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मुझे वापस आना था। मैं अपनी डॉटर को छोड़ के जैसे ही वहाँ से आई तो अभी आने लगी तो मुझे वहाँ पर, जबकि कभी भी गुरु जी के सत्संग में कोई प्रवचन नहीं सुनाई देते, तो मुझे मेरे पिताजी के प्रवचन सुनाई दिए। पिताजी की आवाज़ आई कि जो तुसी कर रहे हो ठीक है, ए रस्ता बिल्कुल ठीक है, रब दा रस्ता इक्को ही हुंदा। मैं सुन के एकदम से स्टिल हो गई वहां पर कि ये क्या सुन रही हूँ मैं, ये तो यहाँ पर तो शब्द कीर्तन चलता है, ये तो मेरे पिताजी की आवाज़ है। तो मैं 5 मिनट के लिए वहां पर खड़ी हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, जबकि मैं तो अपनी डॉटर को छोड़ के सत्संग में जा रही थी। बाहर मेरे हस्बैंड मेरी वेट कर रहे थे। वहां से मैंने जल प्रसाद लिया और मैं आंखें भरती हुई बाहर आके इनको कहती हूँ कि वहां तो पिताजी थे। कहते क्या कह रही है, मैं कहा वहां पर तो पिताजी के प्रवचन चल रहे हैं सत्संग में। कहते हैं इतने सत्संग सुने हमने तो कभी नहीं सुना। मैं कहा वहां तो पिताजी थे और उन्होंने मुझे ये कहा है। कहते बस चल ठीक हो गया फिर तो बढ़िया है, तेरे तो डाउट्स निकल गए। तो मैं शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना जो आपने मेरे पिताजी का रूप लिया उस दिन और आपने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद हम जैसे रेगुलर चलते रहे
जाते रहे, गुरु जी के सत्संग में जाते रहे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेते रहे, लेकिन समझ फिर भी अभी कम थी, बहुत कम थी। तो एक दिन जैसे तकलीफ उसकी थी, शायद गुरु जी का काम शुरू हो चुका था, वो उसके कर्म कटवाने के लिए फास्ट हो गए, फास्ट फास्टर हो गए थे मेरे ख्याल से उससे से ज्यादा। तो उसकी तकलीफ जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तकलीफ मीन्स कि वो जैसे मतलब रिकवर नहीं कर पा रही थी, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मतलब उसकी कर्म जो थे कट रहे थे, जो हमें बाद में समझ आए, कर्मास बहुत जल्दी जल्दी कट रहे थे। तो ऐसे में हम एक दिन वो बैठी बहुत ही नेगेटिव हो गई, बड़ी सोच में। तब गुरुजी ने फिर हमें एक मैसेज अपने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, एक भजन चला, पल पल तेरे साथ में रहता। तो उसके लास्ट स्टैंजा था भी, जब भी तू याद करे तेरा ठाकुर तेरे साथ है, जिससे मुझे और पॉजिटिविटी आई कि नहीं, अब ठाकुर भी मेरे वही है, राम जी भी वही है और गुरु जी भी वही है। तो मैं इस बात से थोड़ा पॉजिटिव, लेकिन मन में वही दुविधा बार बार कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही। जैसे मुझे, जैसे हमने सुना अंकल का, सुना एक अंकल है, कोई सिद्धार्थ जी अंकल है, मुझे इस टाइम नाम नहीं याद आ रहा, उनकी विजन गुरु जी ने खुद ठीक की थी। तो हमें यही था कि इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरु जी की कुछ और मर्जी थी। सो हमने जाना, सारा जाते रहे सत्संग में, कुछ कभी पॉजिटिव कभी कुछ डावाडोल, तो इस तरह से लेकिन जुड़े रहे गुरु जी के साथ। फिर हमने उसके बाद अगले साल जैसे 2018 में कि हम भी अब सत्संग करें, सब लोग सत्संग करवाते हैं, तो हमने घर पर सत्संग गुरु जी को बुलाया संगत के साथ। गुरु जी ने अपने आने का प्रोग्राम एकदम से बनाया, जनवरी 29 को गुरु जी ने सत्संग का प्रोग्राम बनाया और 31 को हमने सत्संग रखा कि गुरु जी संगत के साथ आएंगे। लेकिन जब 29 को सब फाइनल हो गया, सुबह हलवाई को बुला के सब मेरे हस्बैंड ने फाइनल कर दिया, तो थोड़ी देर बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कह रहे कि 31 को तो ग्रहण है, क्योंकि अभी हम डावाडोल थे, ग्रहण है, संगत नहीं आएगी, कोई नहीं लंगर खाएगा। तो मैं फिर से घबरा गई कि अब क्या होगा। तो हमने फिर से पलक आंटी को फोन करके कहा कि पलक आंटी 31 को तो ग्रहण है, तो हम क्या करें। वो कहते आप 30 को कर लो सत्संग। तो हमने कहा ठीक है, सत्संग 30 को फाइनल हो गया। हलवाई को बुलाया, कहा कि 30 को कर दे। हलवाई कहता जी नहीं। अच्छा एक चीज डाउट और थी कि हलवाई ने जब सत्संग का कहा तो कहता जी गुरुजी के, वो वही पहले गुरुजी के सत्संग का ही बनाता है प्रसाद, वो कहता जी गुरुजी के सत्संग में तो प्याज भी डलेगा लहसुन भी डलेगा, और मुझे ठाकुर जी को भी भोग लगाना था, तो मेरे मदर ने आना था, तो मुझे तो बड़ा डर कि अब मैं क्या करूंगी, मैं भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी दुविधा में मैं, शायद मेरे गुरुजी ने मेरी बात को समझ लिया और 30 को सत्संग हो गया। और जब हमने दोबारा बुलाया हलवाई को, वो कहता जी 30 को मैं फ्री नहीं हूँ। हमने दूसरे हलवाई को बुलाया और उसको मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे है गुरु जी का लंगर बनना है, गुरु जी के लंगर में प्याज लहसुन का कोई परहेज नहीं होता, आप प्याज लहसुन डाल सकते हैं। तो वो कहता है प्याज लहसुन दिमाग खराब है आपका, मैं तो नहीं बनाऊंगा, आपको पता नहीं है कि किसी भी भंडारे में प्याज लहसुन नहीं डलता, मैं बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगा। तो मैं सुन के हैरान हो गई कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, मतलब तब इतना ना अटैचमेंट ना समझ, लेकिन मैं बड़ी खुश कि चलो अब बिना प्याज के लहसुन के भंडारा बनेगा, गुरुजी का प्रसाद बनेगा, मेरे मदर आए क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में है, हमने ठाकुर जी को भी भोग लगाया, गुरुजी को भोग लगा और सारा बहुत ही अच्छे से हो गया। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसकी हेल्थ के इश्यूज चलते रहे, थोड़ा कभी ठीक कभी ऐसे, कभी उसके कर्मास कट रहे थे। इन बिटवीन हमने सत्संग में ही पता चला मटकन आंटी आ रहे हैं पटियाला से, उनसे हमने सचखंड का प्रसाद मंगवाया, उन्होंने मेरी बेटी को सचखंड का प्रसाद भी दिया और उन्होंने फिर बोला कि आप ये प्रसाद लेके जाओ, आप इसको देते रहना। मतलब जैसे जो जो उन्होंने कहा उससे उसके तकलीफ संगत जी बढ़ रही थी। शायद गुरु जी, आज आज मुझे इस बात का पक्की श्योरिटी है, जब मुझे इतनी देर तक गुरु जी के साथ रहने को मिल रहा है और सब सब सब
सत्संग सुनने को मिलते हैं तो गुरु जी के ब्लेस करने के दो तरीके मुझे अब बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि एक ब्लेस करते हैं वो आपको बिल्कुल ठीक करके और दूसरा ब्लेस करते हैं वो अपने पास बुलाकर। तो शायद वो दूसरा तरीका हमारे लिए था जो हमें समझ नहीं आ रहा था। खैर वो चलता रहा साथ में, जैसे कि हम गृहस्थी लोग हैं तो मेरे बेटा वो बीकॉम फाइव सेकेंड ईयर में था, तो मैं अपने हस्बैंड को कई बार कहना कि आप इसको साथ में बिजनेस पे लगा लो, तो बिजनेस थोड़ा सा डावांडोल था शायद उन दिनों GST और ये नोटबंदी के चक्करों में थोड़ा सा काम सब सारे काम थोड़े डीले हो गए थे। तो मैंने जैसे अपने हस्बैंड को कहना कि इसको काम पे लगा लो, तो इन्होंने कहना अभी रुक जाए इसको क्या MBA कर ले, मेरे पास अभी ना तो बिजनेस है और ना इतने फंड्स हैं कि मैं इसको साथ में अपने लॉन्च करूं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा गुरुजी से मांगा भी नहीं, उन्हें कहा भी नहीं, लेकिन मेरे मन की एक इच्छा और मेरे गुरुजी ने वो सुन ली और गुरुजी ने गुरु परिवार में से ही मतलब कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनाए कि विद इन 6 months और 4 months मेरे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस एक प्लेटफॉर्म गुरुजी ने दे दिया, जिसमें मेरे जो मेरे हस्बैंड के बिजनेस के मेटल का बिजनेस है उनके साथ मैच करता था और मेरे बेटे को काम में लगा दिया। जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उसके लिए मेरे पास कोई फंड्स नहीं है, गुरुजी की कृपा से फंड्स कैसे कहाँ से अरेंज हो गए कि गुरुजी की ही कृपा से 6 months में मेरे बेटे के ट्रांजैक्शन जो है वो 4-5 crores की घूमी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका करोड़ों शुक्राना गुरुजी। जब उसका बिजनेस शुरू हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ही मैंने गुरुजी का शुक्राना करना है, उसके बाद दूसरा काम होगा। कहते ठीक है। तो हमने जैसे 21st को उसने अपना काम शुरू करना था, 23rd को गुरुजी का शुक्राना सत्संग घर पर रखा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 21st वाला काम जो है वो नहीं हुआ, 22nd को भी नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहते तूने शुक्राना पहले रख लिया, पहले काम तो हो लेने देते। लेकिन तब तक मन में इतना विश्वास आ चुका था कि ये काम पहले होगा और गुरुजी शुक्राना बाद में कराएंगे, ये पक्की बात है। वही हुआ, 22nd को मेरा बेटा अपने काम के लिए गया, उसका काम दोपहर तक खत्म हो जाना था, 6:30 बजे का सत्संग था, तो यही था कि वो सत्संग से पहले आ जाएगा, लेकिन काम में किन्हीं कारणों से देर होती चली गई और करते कराते 6 बज गए। मेरे हस्बैंड भी उसी काम में बिजी, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसकी आनी थी बाज मंडी गोविंदगढ़ से और हम लोग वेट करते रहे। मेरा ध्यान यही कि गुरुजी अपना शुक्राना काम किए बिना नहीं करवाएंगे। काम चलता रहा, सत्संग शुरू हो गया, लेकिन मेरा ध्यान एक सत्संग में एक वो बेटा नहीं आया। सत्संग जब दूसरा वो लगा गुरुजी को भोग लगा और तब अब शुक्राने की बारी आनी है और वो अभी तक आया नहीं अपना काम निपटा कर। शुक्राना उसके बिना गुरुजी मैं आपका कैसे करूंगी, वो आपको खड़ा होके शुक्राना करे तो मेरा दिल खुश होगी, मैं नहीं वो शुक्राना कर रहा है। तो मैंने हमारे यहाँ जो अंकल हैं रवि अंकल जो हमारे गुरु परिवार के हमारी जो मैनेजमेंट है उनके मेंबर हैं, तो मैंने रवि अंकल को बोला कि रवि अंकल 2 शब्द और लगा दो, अभी नीतीश आया नहीं है, अभी शुक्राना नहीं करना। तो वो अकेले में बैठ गई जाके आगे और जैसे ही भोग खत्म लग रहा था साथ ही शुक्राना शुरू कर दिया, तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा ये क्या कर दिया इन्होंने, मैंने तो अभी इन्हें कहा था कि अभी नहीं लगाना, लेकिन उन्होंने शुक्राना सत्संग लगा दिया, भजन लगा दिया। तो इतने में जैसे ही मैं मुड़ के तो मेरे को हाथ अपना वेव करके कहते, तो मैंने कहा इन्हें पता नहीं है कि वो आया नहीं है। मैंने दूसरी साइड मुड़े तो मेरे हस्बैंड पीछे से मेरे को इशारे से कह रहे कि कोई नहीं ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मुझे हो गया कि वो आ गया, क्योंकि जैसे ही शुक्राना सत्संग शुरू हुआ मेरा बेटा घर पर था, वो अपने सीढ़ियों से उतर के मेरे पीछे आके खड़ा हो गया और जब उसके बाद हम भोग उठा के जाने लगे तो मैंने देखा सारा परिवार पीछे हम बैठ खड़े हैं और गुरुजी के सामने शुक्राना कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी आपने अपना शुक्राना मतलब काम करवा के लिए आपने पहले शुक्राना नहीं करवाया, शुक्राना आपका बहुत। तो इस तरह से गुरुजी का हमारे साथ रहना और सब काम बड़े अच्छे से होना बहुत अच्छे से चलता रहा, गुरुजी ब्लेसिंग्स देते रहे। लेकिन उधर मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज थोड़े थोड़े बढ़ते रहे,
मुझे तब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन विश्वास था, उसको भी पूरा विश्वास था। मैं गुरुजी से हर बार एक ही बात कर, गुरुजी एक फूक मारना है, इतनी सारियां नसा खुल जाने, तुसी एक फूक मार दो, थोड़ी एक फूक दी कसर है, तुसी एक फूक मारनी है, सारियां नसा खुल जानी है, अखां खुल जानी है, जिहड़ियां इह कुड़ी दा अखां नाल लड़दी हुंदी सी, अखां नाल गल्लां करदी सी, अज इहनूं कुछ नहीं दिखता तुहाडी दुनिया च। हर टाइम मैं यही कहना गुरु जी नूं, गुरु जी मेरी बात सुन, शायद हो सकता है मैंने गुरु जी को कहा हो, ये मेरी गलती है कि गुरु जी अगर इसे ठीक नहीं करना तो आप इसे उठा लो, अपने पास बुला लो। जबकि अब समझ आता है सत्संग सुनने के बाद कि कभी भी किसी के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि इसके कदम कटे बगैर इसको ले जाओ, क्योंकि उसको फिर अगले जन्म में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन तब हम ना समझते, नहीं समझते, और ये बात मैं गुरु जी को मैंने कहती थी। उसके हेल्थ इश्यूज चलते रहे, इन बिटवीन मेरे इन लॉज में मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ इकट्ठे नहीं रहे, हमेशा वो अलग अलग रहे। हम यमुनानगर में रहे, मेरे फादर इन लॉ पठानकोट में रहे अपने भाई की फैमिली के साथ। तो वहाँ पर मेरे उनके ताई जी, ताया जी वो बीमार थे, मैं उनकी सेवा के लिए गई क्योंकि उनकी दो डॉटर्स हैं, तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ले गई, महीना रही क्योंकि वो एक तरह से बेड पर थी तो मुझे साथ साथ लेके जाना पड़ता था। तो वहां पर ताई जी की फैमिली, एक तरह से ताई जी भी की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने हमारे पास आना था, फादर इन लॉ को हम लेकर यमुनानगर आ गए। लेकिन जब संगत जी फादर इन लॉ को लेकर आना था, रोज जाना गुरु जी का मैसेज, रोज जाना कि माँ प्यो की सेवा करनी चाहिए, माँ प्यो की सेवा चाहता स्वर्ग है। मतलब इस तरह की मैसेजेस से रिलेटेड रोज जाना, आप यकीन करके माने कि जब भी मैंने व्हाट्सएप खोलना यही मैसेजेस आने, माँ प्यो की सेवा करनी चाहिए, माँ प्यो की सेवा करनी चाहिए। तो हम उनको वहां ले आए और उनकी खूब सेवा करी मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वर्ष से पहले शायद पेरेंट्स अलग हो गए थे, लेकिन हम पूरी सेवा करी, वो भी बेड पर थे। मुझे फैमिली में लोगों ने कहा भी कि आगे बेटी बेड पर है, उन्हें भी ले आए, लेकिन वो गुरुजी का हुक्म और हम सेवा करते रहे और गुरुजी शायद हमारी सेवा से खुश हुए, उन्हें भी ब्लेस करते रहे। उनका फादर इन लॉ इतने बीमार और बेड पर ही डायपर्स चेंज करने सब, इतने में नेक्स्ट ईयर की जैसे शिवरात्रि आई तो मेरी डॉटर कहती मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना पड़े। तो मैं सोचूं उनके डायपर्स दिन में चार चार पांच 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 बार हम चेंज करते हैं, हम कैसे जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते वहां पर। गुरु जी ये जिद करिए मैंने आना है, अब आप भी बुला लो। दिल तो मेरा भी करता कि मैं आऊं, लेकिन कैसे आऊंगी आप देखो। तो संगत जी जैसे गुरु जी को अरदास करी शिवरात्रि वाले दिन, मेरे हस्बैंड कहते चल कोई नहीं, बेटे को कहा कि तू देख लेना एक दिन, संभाल लेना, हम कल आ जाएंगे सुबह जल्दी आ जाएंगे रात को, क्योंकि हमें स्टे करना पड़ता था उसकी वजह से। जैसे ही गुरु जी संगत जी हम गए शिवरात्रि पे, एक बार मेरे हस्बैंड डायपर उनका चेंज करके गए, सब मेडिसिन और सब बेटे को समझा के गए। गुरु जी का चमत्कार है कि जब हम वापिस आए नेक्स्ट डे, हम वहां पर गए दर्शन किया शिवरात्रि के, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली, और जब हम घर आए अगले दिन 1 बजे और आकर मेरे हस्बैंड ने देखा, कहते चलो अब इनका डायपर चेंज कर दूं, गंदा हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल स्टॉप स्पॉट, बिल्कुल गुरु जी ने ऐसे संभाल के रखा हुआ कि नहीं इनको कोई तकलीफ नहीं, आप दर्शन करने आए। और वहां दर्शन करने गए, अच्छा कुछ मेरे हस्बैंड को शौक कि मैंने वहां पर लाइव प्रोग्राम वहां का गुरु जी के मंदिर का देखना, हम लाइव प्रोग्राम के लिए रुके वहां पर, रुकने की सोच रहे थे। तो मेरी बेटी का बैठने की है, उसकी थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं थी, उसको ट्रेवलिंग सिकनेस भी थी, तो वो कहती पापा आप मेरे को ना गाड़ी में बिठा के आप 2 घंटे वहां पर गुरु जी का वो देख लो, मेरे को आप यहीं पर छोड़ दो। संगत जी गुरु जी वहां पर एक आंटी के रूप में मेरे पास आए, ऐसे फिंगर का इशारा ना तुसी लंगर प्रसाद कर लिया, मैं कह जी कुड़ी नु कार च नहीं चढ़ना, चलो कार, बिल्कुल इसी तरह चलो कार, ऐसे किसी ने नहीं रुकना, मेरे हस्बैंड देख रहे मैं देख रहे, ऐसे कौन कह सकता। हमने बिल्कुल अच्छा जी ठीक है, और कुछ भी कहे बिना उसी टाइम हम वहां से आ गए और अपने कजन के घर जहाँ रात रुकते थे वहां पर रुके, और सुबह जैसे घर आए।
तो इस तरह से गुरुजी ने वहां पर हमें ब्लेस भी किया और घर पर पापा का भी पूरा ध्यान रखा और सब बड़ा ही अच्छे से सब उनका किया। मेरे मेरे फादर इन लॉ की 2 महीने के बाद वो गुरुजी के चरणों में चले गए क्योंकि वो काफी बीमार थे। उसके बाद मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज थोड़े बढ़ते चले गए, लेकिन सत्संग गुरुजी करवाते रहे। यहाँ पर भी हमारा गुरु परिवार जो एक था, उसके यहाँ पर जब हमने पलक आंटी का किया था तो उसमें शायद गुरुजी को चाहिए था कि जब मेरा गुरु परिवार बढ़े तो उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से की सेवा मुझे और मेरे सारा हमारी सारी मैनेजमेंट को दे दी। शुक्राना गुरुजी, आपकी सेवा बख्शने का आपको लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने जैसे अपनी सेवा दी हम करते चले गए, लेकिन मेरी बेटी जो पहले सत्संग में जाती थी उसके हेल्थ इश्यूज पड़ने की वजह से वो उसने सत्संग में जाना बंद कर दिया, घर पर ही सत्संग जो होता वो अटेंड करती। और गुरुजी ने उसको 2018 दिसंबर 26 में अपने चरणों में बुला लिया। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि गुरुजी ये क्या हो गया, मन टूट भी गया। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी ने अपना साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरा हाथ बड़े ही अच्छे से पकड़े रखा कि नहीं डोलना नहीं है। हालांकि मेरा बेटा थोड़ा सा अपसेट हो गया, कहते गुरुजी ने ठीक तो किया नहीं, आप तो कहते थे गुरुजी सबको ठीक करते हैं, नहीं ठीक किया। और मुझे भी तब तक कोई समझ नहीं थी कि उनके ब्लेस करने के तरीके जो है क्या है। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी के साथ, मतलब मेरे मन में कोई भी वो सोच नहीं आई क्योंकि एक तरह से मुझे लग रहा था शायद गुरुजी ने संभाल लिया। उसके बाद मुझे मटका आंटी का फोन आया, वो मिले, उन्होंने भी कहा कि कोई नहीं गुरुजी ने संभाल लिया। फिर हमारे यहाँ पर एक गौरी आंटी है, उनके साथ गुरुजी की टेलीपैथी कहते हैं या कुछ भी, उनके साथ तो गुरुजी अंग संग है, उनसे बात होती है, तो उनके साथ बात होती रही। उन्होंने कहा कि आंटी मेरे को तो गुरुजी ने 1 महीने पहले कह दिया था कि नोनू में ले जाना है, तो कहती मैं समझ ही नहीं पाई कि नोनू ले जाना गुरुजी ने कैसे कहा। तो गुरुजी अपने पास ले गए क्योंकि मेरी तो मेरी समझ जितनी थी उसी हिसाब से मेरा रोना मेरा तड़फना जायज था, लेकिन मेरे गुरुजी ने भी मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया उन दिनों कि मैं खुद हैरान थी कि 26 को जब मेरी डॉटर का जाना और 31 का गुरुजी के सत्संग में बैठे होना और माइक पकड़ कर अनाउंसमेंट करना, ये गुरुजी कोई ही करवा सकते हैं, वैसे कोई कोई नहीं कर सकता। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि किसी के साथ इतनी बड़ी हैपनिंग हो और वो इस तरह से गुरुजी के साथ जुड़ जाए और वो सत्संग में पहुंचो। खैर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़े रखा, मैं रोते रहना, सब काम नॉर्मल होता चला गया। वैसाखी लोहड़ी से 1-2 दिन पहले 12 तारीख को मैं शाम को बैठी घर पर, कोई नहीं, मैं रो रही और गुरुजी के स्वरूप के आके देखे, गुरुजी देखो हूँ तुहाडे कोल गई है, मैनू पता है तुहाडे कोल, मैनू कोई तो सिनिया दिओ, मैनू कोई सिनिया दिओ, कोई मैसेज दो, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कित्थे है। संगत जी 12 तारीख को मैं शाम को गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, 13 तारीख को हमारे यहाँ पर एक सत्संग था, विनी गुलाटी गई, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए। जैसे ही हम गए एंटर किया, एक आंटी साक्षी आंटी है वो दौड़ती हुई आई, आंटी आंटी मैंने आपको आपका अपना सत्संग सुनाना है। मैं कहा हाँ जी बताओ। आज तो कहती सुबह 4:30 बजे मुझे विजन हुई है, गुरु जी का सपना है, तो मैं यहाँ पर दरबार लगा रही हूँ, गुरु जी ने हरे रंग का चोला पाया और नोनू दीदी गुरु जी के साथ है, तो मेरा तो रो रो के बुरा हाल कि गुरु जी आपने संदेशा दे दिया, आपने बता दिया कि आपके साथ है। कहते हाँ वो गुरुजी ने ना ग्रीन रंग का चोला पाया हुआ था, और आंटी जब मैं यहाँ पर आई ना, यहाँ पर भी इन्होंने ग्रीन रंग का गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है, और नोनू दीदी ने ये वाले रंग के कपड़े पाए हुए थे। और वो मैंने उसको बोला कि चल आ तेरे को तेरी मम्मी के पास ले जाऊं, तेरी मम्मी कहाँ है, कहती वहीं के पीछे, मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं बैठूंगी गुरुजी के पास। तो शुक्राना गुरुजी आपने उसको अपने चरणों में लगा लिया और मुझे संभाल लिया, और इस तरह से गुरुजी रेगुलर मुझे संभालते हुए अपने साथ लेते हुए चलते गए और बीच बीच में उसके मैसेजेस मुझे देते रहे। जैसे उसका बर्थडे आया, फर्स्ट उसके जाने के बाद हम लोग बड़े मंदिर गए,
बड़े मंदिर में जाके कि मैंने नहीं घर रहना, मैंने गुरु जी के पास जाना है, वो वहीं पर है। हम गुरु जी के पास वहां चले गए बड़े मंदिर, क्योंकि हम लोग संडे को गए, मंडे को शायद उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा हम यहाँ पर रूम ले लो, हमने रूम रुक के मंडे को फिर गुरु जी के दर्शन करके फिर जाएंगे। और वहां पर गुरु जी से दर्शन करके सब करके वहां से हम आए। जब हम यहाँ पर आए, गोरी दी आंटी जिनका मैं बता रही हूँ कि उनके साथ गुरु जी की हमेशा बात होती है, हमेशा गुरु जी उनके साथ है, हर टाइम उनके साथ है, गद्दी लगवाई है गुरु जी। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन शुरू होने पर गुरु जी ने गद्दी लगवाई और वहीं पर है, और बहुत सारे मैसेजेस देते हैं गुरु जी वहां से। तो गौरी आंटी मेरे को कहती है, आंटी नोनू दीदी का बर्थडे आने वाला है। मैं क्या बता, क्या हो गया? कहते गुरु जी ना मेरे को, मैं ऐसे नोनू दीदी का मुझे ना मंदिर दिखा, नोनू दीदी वहां थे। मैं कहा मंदिर? बहुत बड़ा मंदिर था आंटी, उसमें ना बहुत बड़े वो थे, नंदी जी थे, और शिवलिंग था बहुत बड़ा वहां पर, और बहुत बड़े बड़े गुरु जी के स्वरूप थे। मैंने कहा तू तो ये बड़े मंदिर की बातें बता रही, वो लड़की बड़े मंदिर नहीं गई है, उसने मेरे सामने पिक्चर बना दी पूरी। कहते वो नीचे ना एक कमरा है, उसमें वो गुरु जी का कमरा था और नोनू दीदी बैठी, और पूरा रूम जो है बैलून्स से, रेड कलर के बैलून्स से भरा हुआ, और गुरु जी को नोनू दीदी को कह रहे आजा चल सेवा दे चलिए, उनका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे को भी सेवा पे ले जाओ। कहते नहीं ए दीवारी की, ए सेवा करेगी, तू इन विश किता? कहते गुरु जी क्यों, आज इधर जन्मदिन है ना, इन विश कर दे। तो मैं सुन के हैरान हो गई कि मेरे गुरु जी मेरी इतनी बात, हर बात का जवाब दे रहे हैं, कैसे मेरे साथ दे रहे हैं। तो और जिससे कि मेरा विश्वास गुरु जी के साथ बढ़ता चला गया। संगत जी, गुरु जी ने इतना अपनापन, इतना साथ, इतना मतलब मेरे को मैसेजेस, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, और आज भी ये जो सत्संग मैं कर रही हूँ ये गुरुजी मेरे साथ है। क्योंकि मेरा बड़ा मन में एक चाव था कि गुरुजी मैं भी आपका सत्संग ऐसे करूँ। हालांकि मुझे इतना सब ये लाइव आना और ये जूम और सब आता नहीं है, फिर मैंने वो गुरुजी सिखवाने वाले हैं, उन्होंने सारे रास्ते निकाले, और आज मैं आज आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मेरा मन थोड़ा सा ठहर गया कि हाँ अब वो गुरु जी के चरणों में है, अब गुरु जी ने मुझे अपनी सेवा में पक्का लगा लिया। और जैसे ही उसके जाने के बाद, ये तो उसके बर्थडे 6 महीने बाद आया, लेकिन दिसंबर में वो गई, और जनवरी 26 जनवरी से गुरु जी ने यहाँ पर गद्दी लगा के, ये देखिए गुरु जी के दर्शन करें, गुरु जी ने गद्दी लगवा ली, ये मेरे गुरु जी। और गुरु जी हमारे पास यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमेशा मेरे पास, मेरे साथ, मेरे को अपने साथ रखा हुआ है, और सारा काम जो उनका दिल करता है करवाते हैं, हर बात के लिए मैसेजेस देते हैं, हर महीने सत्संग करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी मुझे, बहुत प्यार करते हैं, और मुझे बहुत सारी सेवा देते हैं। मेरी संगत जो गुरु परिवार जो यहाँ पर है, उनको गुरु जी कहते हैं, ये गल है पासन आंटी नाल गल कर, मैं हैरान होती गुरु जी मेरे में इतनी है अकल, इतनी अकल है जो आप मेरे पास किसी को कहते हो, मैं किसी को कैसे कोई जवाब दे सकती हूँ, ना आप मेरे से बात करते हो, ना आप मेरे साथ मेरे को दिखते हो, मुझे नहीं दिखते हो, हाँ लेकिन मैसेजेस मेरे गुरु जी मुझे रूटीन में देते हैं। संगत जी, अगर मैं दुपट्टा पहले बीच में मैं सिर पर दुपट्टा लेके सत्संग में नहीं जाती तो मेरे गुरु जी ने साफ मेरे को मैसेज दिया, वो भी दिन ही सिर टक दी, और वो दिन है मैं अपने गुरु जी का हुक्म जरूर मानती हूँ, और संगत को भी कहती हूँ सब सिर ढक के बैठो मेरे गुरु जी के सामने, उनकी रिस्पेक्ट करो, वो हमारे सब कुछ है। आप उनको जो भी समझो, बड़े भाई समझो, पापा समझो, भगवान समझो, ईष्ट समझो, मेरे तो ईष्ट देव ही भोलेनाथ है, मेरे ईष्ट देव ही मेरे भोलेनाथ है, मेरे को हमेशा से पता था। लेकिन मैं राम जी की सेवा में थी तो मैं कहती थी राम जी भी तो बोले बाबा के ही भगत है, तो मैं भी बोले बाबा के ईष्ट देव है, तो मैं कर नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन मैं बहुत 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 खुश होती थी कि हाँ मेरे ईष्ट देव भोलेनाथ और राम जी उनकी सेवा करते हैं, हम दोनों उनके सेवक हैं। वो मेरे भोलेनाथ ने मेरी बाजू पकड़ ली, मेरा हाथ पकड़ लिया,
और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है, वो हर तरह से ब्लेस करते हैं। अब तो वो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं फिर भूल जाऊं, मेरे गुरु जी मुझे नहीं भूलते, किसी भी टाइम में मेरे गुरु जी मुझे नहीं भूलते। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, मैं आपको और भी अपने बहुत सारे सत्संग, अब तो गुरु जी मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिलवा देते हैं यहाँ कैसे भी करके। एक बार यहाँ पर किसी के यहाँ सत्संग था, तो उनका जैसे सत्संग आया कि मैं कभी फोन नहीं करती, अंकल रवि अंकल हमारे जाते हैं, वो सारा देख आते हैं कैसे कहाँ सिटिंग होनी है। मैं सिर्फ सत्संग से थोड़ी देर पहले गुरुजी सेवा देते हैं जाती हूँ, या घर पर जो भी गुरुजी का सामान सत्संग का पड़ा हुआ है वो सब देती हूँ, गद्दी का सामान। तो उन्होंने मैंने पता नहीं क्यों मैंने उनसे बात कर ली कि कैसे करना है, आपने कहाँ दरबार लगाना है। वो कहते जी बाहर लॉबी में दरबार लगाना है, सॉरी गैरेज में दरबार लगाना है और संगत अंदर बैठेगी। मैंने कहा है संगत अंदर बैठेगी और गुरु जी बाहर कहते नहीं आते ही एंट्रेंस में। मैंने उनको कहा ये गलत है, ऐसे मत करो, आप दरबार अंदर लगाओ और संगत बाहर बैठ जाएगी, जब बचेगा कोई तो स्टैंड लगा देंगे बाहर, एक सब रूप बाहर लगा देंगे, लेकिन आप गुरु जी को अंदर बिठाओ। ये गुरु जी बुलवा रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी, गुरु जी मेरे से बुलवा रहे थे। तो और कोई बात नहीं, हैवी फर्नीचर है तो आगे पीछे कर लो, हो जाता है सर। उन्होंने मुझे कहते अच्छा आंटी, और साथ ही उन्होंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि ऐसे ऐसे आंटी कह रही है, वासन आंटी हम नहीं कर सकते, इतना भारी है ये वो। और जिसको कहा वो मेरे साथ लड़ने के लिए, उसने लड़ने के टोन में कि आंटी नहीं उनका बहुत भारी है, उनका डाइनिंग टेबल पत्थर वाला ऐसे है, उनका फर्नीचर इतना भारी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनको ऑफर किया कि हमने स्टील के सारे गुरु जी की थालियां और सब बना रखे हैं, तो आप वो ले जाओ, वो सूची होती है थर्मो कोलियन डिस्पोजेबल मत लो। वो कहते नहीं जी नहीं, हमने तो वही। मैंने कहा ठीक है। संगत जी आप यकीन करके मानो, अगले दिन जब सत्संग हुआ, गुरु जी का दरबार लगा, 5 बजे तक अच्छी से धूप, बहुत बढ़िया सारा उन्होंने दरबार लगाया, गुरु जी का चोला लगाया, फ्लावर्स की डेकोरेशन, कारपेट सब बिछ गए। लेकिन 5:10 पे ऐसे बादल आए, इतनी बारिश आई कि सब कुछ कुछ भी गद्दी क्या चोला क्या सब पानी पानी, हर चीज पानी पानी हो गई, कुछ भी ठीक नहीं था वहां पर। बारिश देख के मुझे भी थोड़ी घबराहट हो गई, मैं फिर भी 15-20 मिनट पहले चली गई कि हम पहले चले जाएं देखें क्या है वहां पर। वहां गए तो वो एक जगह जहां गद्दी लगी थी वहां से हटा के दूसरी जगह गद्दी लगा रहे, और लगा रहे कोशिश कर रहे, चोला दूसरा घर से और आ गया, लेकिन गुरु जी गद्दी नहीं लगने दे रहे। मैंने एक बार तभी आवाज में बोला, मैं कहा यहाँ मत लगाओ अंदर लगा लो, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं चुप करके अंदर आ गई। और अंदर आके मैं अपनी फूलों की सेवा करने शुरू कर दी, मैंने पेटल्स बनाने शुरू कर दिए, वहाँ साथ में मेरे एक आंटी बैठती, तो मेरे को ऐसे मन में तड़प भी हो रही थी। मैं कहा देखो इतनी सुंदर जगह है, यहाँ स्प्लिट एसी लगे, इतने गुरु जी की गद्दी लाने, इन्नी गर्मी है, इतने थले गद्दी लगा, कितना सुना हो जाए। और संगत जी ऐसे ही हुआ, 5 मिनट में फिर एक बुछार इतनी तेज आई, रवि अंकल कहते हैं कि हम 15 मिनट में मैसेज डाल देता हूँ, सत्संग लेट शुरू कर लेते हैं, 15 मिनट में हम गद्दी अंदर लगा देंगे। वो कहते कर लोगे जी, इनका कर लेंगे, हमें थोड़ी सी पावर दे दो कि हम चीजें हिला सके। गुरु जी ने 15 मिनट के अंदर वहीं पर एसी के नीचे अपनी गद्दी लगवाई और बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ, और कोई एक बारिश का कनी भी नहीं गिरी उसके बाद, और बाहर फिर से कारपेट्स दोबारा आए बिछे, हर चीज हुई और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। और उन्होंने बाद में मुझे कहा कि आंटी आप कह रहे थे, मैं कहा ये मैं नहीं कह रही थी, ये शायद गुरुजी मेरे से कहलवा रहे थे और आपने सुना नहीं, वो गुरुजी ने करवा दिया। ऐसे ही एक बार वैसाखी नहीं, ये लोहड़ी का 12 को हम गुरुजी के, हम यहाँ पर अपने यमुनानगर में गुरु जी के वो करते हैं बड़े फेस्टिवल्स, 5-6 वैसे तो मंथली सत्संग होता है पैलेस में, लेकिन बड़े फेस्टिवल्स जो हैं दिवाली लोहड़ी बैसाखी हर एक, हम होली सारी संगत के साथ, हमारी संगत गुरु परिवार बहुत बड़ा, 500-700 संगत है, कई बार उससे भी बढ़ जाती है, तो हम सब मिलकर करते हैं। वहाँ पर था 12 तारीख को, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, बहुत सुंदर गुरु जी का दरबार लगा। अगले दिन सत्संग था किसी के पैर फॉर्म हाउस में,
तो मैं आंटी को कह रही हूँ कि आंटी कल की बारिश है, आप यहीं कर लो, दरबार गुरु जी का नहीं रहते, बहुत सुंदर दरबार है। वो मैं नहीं कह रही थी, वो गुरु जी कहलवा रहे थे। वो आंटी नहीं माने, उन्होंने अपने फार्म हाउस पे ही करना ठीक समझा। उन्होंने अपने फार्म हाउस पे बड़ी अच्छी तैयारी करी, बहुत सुंदर गुरु जी का दरबार लगाया, लेकिन गुरु जी को वहीं पैलेस में करवाना था। संगत जी पूरा दिन काले बादल, लेकिन वो आंटी तैयारी करती रही, जैसे अभी छट जाएंगे। अभी हम भी जब मेरी सेवा हलवा प्रसाद बनाने की थी, मैं हलवा प्रसाद बना रही थी, वो सेवा कर रही थी, बार बार खिड़की से झांक के देख रही थी कि बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन वहां बारिश हो रही, मतलब नहीं हो रही थी। जैसे ही हम घर से निकले कन्या शुरू, और जब तक हम वहां पर पहुंचते फार्म हाउस पे, तो बारिश छमाछम, और गुरु जी ने वेन्यू चेंज, और वहीं पैलेस में जाके गुरु जी ने फिर से सत्संग करवाया। शुक्राना गुरु जी, आप तो मेरे ऊपर कृपा करते हो, मेरे से कहलवा लेते हो, लेकिन संगत की भी अपनी मर्जी होती है। लेकिन अब थोड़ा गुरु जी की कृपा से संगत भी सुन लेती है कि हाँ, अगर कोई कह रहा है तो सुन लेते हैं, और गुरु जी अपनी मर्जी करवा ही लेते हैं, जैसे भी अपना काम करवा लेते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी हैं। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत उन्होंने सेवा का मौका दिया हुआ है। हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, मंथली सत्संग होता है यहाँ पर यमुनानगर में, तो हर बार मंथली सत्संग होना, और उसके लिए जैसे हम सुनते हैं कि फॉरेन में हुआ, संगत ने सेवा करी, तो मन बहुत था कि सारी संगत सेवा करे। लेकिन जैसे मैंने अपनी मैनेजमेंट के आगे प्रपोजल रखा कि हम लंगर प्रसाद संगत से बनवाते हैं, तो सब कहने लगे नहीं, संगत नहीं बना पाएगी इतना प्रसाद, आंटी कैसे बनाओगे। तो मैं चुप कर गई। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे आप अगर 2-3 दिन दे दो, तो मैं आपको अपना 2-3 दिन में रिजल्ट बता देती हूँ कि हो सकता है कि नहीं, तो फिर हलवाई तो हमारे पास है और सामान तो हम बनवा ही नहीं। वो कहते ठीक है। और गुरु जी ने ऐसी कृपा करी, जब मैं और गुरु जी दोनों बैठ के कॉपी पर लिखने लगे, तो सारी संगत से, पूरी संगत से, कोई दाल बना रहा है, कोई सब्जी, कोई चपाती, किसी ने 100 चपाती, किसी ने मीठा, किसी ने ऐसे, तो गुरुजी ने इतना अच्छा सब करवा दिया कि पूरी संगत को उन सब सेवा मिली। सारी संगत ने सेवा ले ली कि हम कर देंगे, और गुरुजी ने करवाया, अपने शेफ तैयार कर लिए, जो इकट्ठी 10-10, 15-15, 20-20 किलो सब्जी बना के बड़े कैसरोल्स में, बड़े पॉलीज में डाल के दाल और सब ले आते हैं, और अब हम सब मिलकर गुरुजी का लंगर तैयार करते हैं। सारी संगत, सारी संगत मीन्स उसमें से हर किचन को गुरुजी ब्लेस करते हैं, सबसे संगत से काम करवाते हैं, जो कर सकते हैं किचन का उनसे किचन का करवाते हैं, जो जल सेवा कर सकते हैं गुरुजी उनसे जल सेवा लेते हैं, और सारा ये गुरुजी मेरे थ्रू कराते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, आप मेरे पर बहुत कृपा करते, बहुत कृपा करते। और जब भी गुरुजी की कृपा होती है संगत जी, मैं उससे पहले अपने हस्बैंड को भी शुक्राना कहना कभी नहीं भूलती, क्योंकि जब तक आपका साथी साथ ना दे, कुछ नहीं हो सकता। आपका साथी साथ देता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप दिन में 3 बार सत्संग में जा सकते हो। लेकिन अगर घर पर कोई आपको कहे कि सारा दिन सत्संग तिरन दिए, आप नहीं जा सकते। तो ये गुरु जी की कृपा है, जो मेरे हस्बैंड भी, मेरे अंकल, वो भी साथ हैं, और गुरु जी ने सबको बहुत 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 ब्लेस किया है। जब गुरु जी हमारे नाम लेके हमारे मैसेजेस भेजते हैं, वासन नु कहीं, मिसिज वासन नु कहीं, अंकल नु कहीं, तो संगत जी मैं निहाल हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पर खड़ी हो जाऊं, कि मैं सबसे अलग लगूं, कि हाँ मेरे गुरु जी की मेरे ऊपर इतनी मेहर, इतनी मेहर मेरे गुरु जी कर रहे हैं। मेरा बेटा अभी वो थोड़ा सा भी वो नहीं समझ पा रहा, उसको बस एक ही बात है कि दीदी का हो जाना चाहिए था, लेकिन गुरुजी उससे भी इतना प्यार करती है, मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ। मेरे को संदेशा दिया कि उसको नहीं कहना कि सत्संग में आ, आरती कर, कुछ कर, नहीं कहना, अपने आप आ जाएगा, और मैंने उसको कहना बंद कर दिया। और उसके लिए संदेशा भेजते हैं, काके का जन्मदिन है, उन सत्संग होएगा, काके के गोदाम से सत्संग होएगा, और बड़ी ब्लेसिंग्स उसके कारोबार में, बहुत ब्लेसिंग्स। और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, जितना शुक्राना कर सकें उतना कम, लेकिन बहुत शुक्राना, बहुत ब्लेसिंग्स।
गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मैं कहाँ बताऊ, क्या क्या बताऊ, सच बोलो तो मुझे जरा सा भी कहीं डर लगता है ना। सपोज मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया या कोई कोई थोड़ा सा भी मुझे लगता कि अब कोई बात है, मैं तो सीधा जय गुरु जी मन के अंदर शुरू कर लेती हूँ और मेरे गुरु जी आके कवच की तरह मेरे आगे खड़े हो जाते हैं। और आप यकीन मानो संगत जी, वो 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड में वो बात खत्म, बिल्कुल ठीक, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। एक बार का सत्संग है, मेरे हस्बैंड अपना हिसाब करे सारा, करते करते वो बड़े घबरा से गए, कहते बेटे को, कहते यार एक ही हो गया, ऐसी काम करके से कितने खिलौते हैं, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहते क्या हो गया पापा, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पैसे गए कहाँ, सारा मैंने हिसाब लगा लिया, सारे गिन लिए, सारा कुछ कर लिया, मेरे को तो पैसे ही नहीं समझ आ रहे। तो मैं उनसे पूछ, मैं कहा कितने पैसे इधर उधर आपको नहीं समझ आ रहे, कहते 29-30 लाख रुपए ही नहीं समझ आ रहे कहाँ है। मैं भी हैरान हो गई कि ऐसे कहाँ चले गए, किस कहाँ चले गए, रखे नहीं कुछ नहीं, किसी बैंक में नहीं है, सारे अकाउंट्स चेक कर लिए। मेरा मैनेजर से आपको बताया, मेरा शुरू हो गया जय गुरु जी जय गुरु जी। मन में गुरु जी देखो फटाफट की हुआ, संगत जी रात के 9:30 बजे जब आपको पूरा दिन बैंक से कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ऑल ऑफ सडन एक मैसेज, खाली एक मैसेज आता है और उसके बाद फिर कोई मैसेज नहीं, उनका नेटवर्क फिर बंद। और वो मैसेज क्या है, सिर्फ बैलेंस शो करने का, ये IOB में आपका ये बैलेंस। मैं हैरान, गुरु जी तुसी इन्ने बोल और इन्नी गल सुनते हो, मतलब जो टेंशन हमारे घर में 2 घंटे तक रही, बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात, और गुरु जी ने 2 सेकंड लगाए एक मैसेज, जब कोई मैसेज आया ही नहीं, पूरा दिन कोई नेटवर्क नहीं चल रहा और रात को भी नहीं चल रहा, एक मैसेज छूटता है जो बैलेंस बता रहा है कि इतने पैसे। हम कैसे शुक्राना ना करें, शुक्राना तो हमारे रोम रोम में है, रोम रोम से शुक्राना करें वो भी कम है, इतना शुक्राना गुरु जी का करना चाहिए और हम करते हैं। ये कोरोना डेज में गुरु जी ने अपने साथ और जोड़ ली, मतलब दिन दिन से ऐसे लग रहा है कि गुरु जी अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, एक ग्रिप ऐसे करके गुरु जी ने पकड़ लिया। और मैं शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी आप अपने साथ जोड़ लेते हो, कैसे आप सबके साथ हो, ये नहीं कि मेरे साथ, सबके साथ, ऐसे उनकी हाजिरी समझ आती है कि बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी एक मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैं बताने वाली थी सत्संग, एक बार मेरी बेटी लुधियाना में मैरिड है, मेरे हस्बैंड सनील और रास्ते में छोड़ने, आधे रास्ते में छोड़ जाते हैं, आधे में हम ले आते हैं कि वो उनका भी अपना इंडस्ट्री है तो वो अपना नहीं निकल पाते। हम लेने गए संगत जी और वहां पर आधे रास्ते में जैसे छोड़ा तो उसने अपना ब्रेक ली और कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए चले गए, उसने अपना पर्स गाड़ी में रख दिया और उसको वहां पर पर्स रखते हुए किसी ने देख लिया, वो लोग अंदर चले गए और गाड़ी तोड़ के पर्स लेके चले गए, उसका नुकसान अच्छा हो गया, 3-4 लाख का नुकसान हो गया, ज्वेलरी पड़ी थी उसमें। लेकिन मेरे गुरु जी का मैसेज देखो, फिर से मैसेज आता है, आंटी ऐसे ऐसे गुरु जी का मैसेज है कि कोई बात नहीं, बंदे का नुकसान तो ज्यादा, चीज चली जाए आ जाती, इस करके किसी कारण मन तिल लेना, जीजू खड़े थे जी, गुरु जी ने ये कहा कि कोई बात नहीं, गौरी आंटी गुरु जी ने मैसेज दिता कि चीज चलेगी कोई नहीं, इस टाइम थोड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब कि कहीं पर भी अगर हमारे डोलने की नौबत आती है तो मेरे गुरु जी आके मुझे ऐसे थाम लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरु जी जैसे संगत जी मैं बैठती हूँ सत्संग में, मेरे को अब 2 साल हो गए हैं, मेरी बेटी की कोई कोई बात याद आती है, मैं इतनी जोर से रोती हूँ और दूसरे मिनट 2 मिनट नहीं बीते और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ, गुरु जी की कृपा, नहीं तो अब तक तो मैं रोती रहती, मैं तो कुछ भी ना कर पाती, 2 मिनट रोती हूँ बस, और 2 मिनट में वो पलट देते हैं बिल्कुल सिचुएशन सारी
और मुझे एकदम कूल एंड काम, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि कुछ इस तरह से हुआ। इतनी मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरु जी ऐसे मेरा हाथ पकड़ते हैं और मैसेजेस ऐसे देते हैं, कोई भी वासन नु कहीं ऐ बनाना है, वासन नु कहीं ऐ करना है, मतलब जैसे बस अभी मेरी बस एक ही बात से गुरु जी से है। लेकिन मैं उसके लिए ना खफा हूँ, ना नाराज हूँ, ना कुछ हूँ। बस मुझे यह है कि ये मेरे कर्माज हैं जो मेरे को वो बुलाते नहीं है, उनकी मीठी आवाज मेरे कानों में नहीं आ रही है, जो मुझे किसी के थ्रू सुननी पड़ रही है वो मेरे गुरु जी मेरे कानों में आके कुछ बोले तो मैं कितनी ब्लेस्ड हो जाऊं। शायद वो भी वो दिन जल्दी आएगा, गुरु जी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स सारी हैं जो वो देंगे। क्योंकि जब गुरु जी कहते हैं ना वासन दे आदि चटनी, मैं बहुत स्वाद लगती है, तो संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शेफ मैं हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं बनाना। जब अमृत वाला सत्संग हमारे घर में होता 6 से 8, गुरु जी सुबह 3 बजे से उठ के मेरे साथ सारा लंगर बनवाते हैं, मैं और मेरे गुरु जी कोई नहीं होता, और इतना स्वाद लंगर, सब कहते बहुत स्वाद लंगर है। ये मेरे गुरु जी की मेहर है, वो मेरे साथ है, वो हर टाइम मुझे ब्लेसिंग्स अपनी देते रहते हैं। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। अब गुरु जी का बर्थडे था, चटनी क्यों नहीं बनाई, तो मैं इतने में मैंने फटाफट गई किचन में, मैंने जाके 2-3 प्याज काटे, नींबू डाला, चटनी बना के विद इन 2 or 3 मिनट्स संगत सारी रसोई में थी सेवादार, मैंने फटाफट चटनी बना के ले आई कि चटनी बन गई। चटनी बनाई, गुरु जी को भोग लगाया, मुझे भी हुई, चलो गुरु जी ने कर ली। लेकिन जब केक की बारी आई तो मेरे को बच्चे कहते केक तो आया ही नहीं है। मैं क्या है केक नहीं आया आंटी, वो आंटी तो कस्टर्ड ले आई है। मैंने उनसे पूछा मैं क्या आप केक नहीं लाए, कहते केक बनाए तो कट गया, 2 पीसेस हो गए, हम क्या करते, मैं तो कस्टर्ड बना ले। ओ, ये क्या किया। अब वहां पर इधर हमारे यहाँ 10 मिनट अभी 15 मिनट पड़े हैं, शुक्राना सत्संग शुरू हुआ, उसके बाद चौपाई साहब या जो भी वो चौपाई साहब शुरू हुआ, उसके बाद शुक्राना होना था। मैं उठी, मैंने कहा बस प्लीज मेरे को कोई बुलाना ना, और मुझे 10 मिनट दे दो। 10 मिनट में फटाफट गई, मैंने बिस्किट केक थोड़ा सा छोटा सा एक बिस्किट केक वो पैक फटाफट बिस्किट मिक्सी में किए और बना लिया माइक्रो में, और बना के गुरु जी के केक काटने से पहले मैं केक बना के यहाँ पर ले आई। और चलो ये ले आई, ये सब मेरी तरफ से है, मुझे नहीं पता गुरु जी मेरे क्या कह रहे हैं। जब गौरी दीदी से बात हुई, गौरी आंटी से, तो गौरी आंटी कहती हाँ हाँ आप तो बढ़िया बढ़िया, आज तो आपके बड़े बर्थडे था, आज तो आपको बड़े सारे केक मिले होंगे, बड़े सुंदर सुंदर डेकोरेशंस की थी सबने और बड़े सुंदर केक थे, आप तो आज बड़ा एंजॉय किया होगा। तो गुरु जी कहते क्यों, और 10 मिनट वाला केक नहीं स्वाद सीगा, और जरा मेरी और बना के लई सी वासन 10 मिनट। संगत जी जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे सोचो कैसा फील हुआ होगा कि गुरु जी तुम इतनी जल्दी मेरी सेवा स्वीकार कर लेते, शुक्राना मेरे गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपका मेरे पास रहने का, मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी मेरे साथ गुरु जी बात नहीं करते, मेरे कान तरस रहे हैं गुरु जी की बातें सुनने को, गुरु जी के मुंह से मेरी बात आवाज सुनने को, लेकिन मुझे ये पता है कि वो गुरु जी मुझे जरूर बुलाएंगे, मेरे साथ बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वो छार है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, सारी संगत के ऊपर गुरु जी ऐसी कृपा करें, गुरु जी की कृपा सब पर मेहर बनी रहे। जी संगत जी मैं आगे कंटिन्यू करूं, सत्संग तो इतने हैं। हाँ एक सत्संग जो बहुत जरूरी है, बहुत अमृत वेले का, जब मेरी डॉटर बीमार थी तब गुरुजी ने हमें संदेशा एक दिया, मैसेज दिया कि अगर ये 15 अमृत वेला सत्संग करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं मेरे को लगा कि 15 अमृत वेला सत्संग तो बहुत आसान है करने, कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि वो सत्संग आपने अपने घर में नहीं करवाने, बाहर जहां होंगे।
उसके लिए मुझे संगत को एक तरह से प्लीज आप अमृत वेला सत्संग करा लो। और हमारे यमुनानगर में तब अमृत वेला सत्संग का कोई भी ऐसा ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लोग नहीं करवाते थे समर्स में, तो फिर लोगों ने करवा लिए। 6-7 सत्संग हमने अटेंड कर लिए, एक हमने अम्बाला का भी किया, लेकिन उसके 9 सत्संग हुए, उससे ज्यादा उसके सत्संग नहीं हो पाए। तो और मेरे लिए तो खास मनाई थी कि घर पर नहीं करना, घर पर नहीं करना है आपने सत्संग, 15 सत्संग बाहर अटेंड करना। तो जैसे गुरु जी का हुक्म, वो नहीं हो पाए, वो गुरु जी की अपनी एक मर्जी थी, वो गुरु जी के उसको ब्लेस करने का तरीका था। जैसे गुरु जी आपने चाहा वैसे ठीक किया आपने, लेकिन उसके बाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखो कि इसी साल में गुरु जी ने हमारे यमुनानगर में 40 डेज अमृत सत्संग एक ही घर में करवाया और इतनी ब्लेसिंग्स बरसाई, मैं जो अपनी लाइफ में कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी सुबह उठूंगी, कभी सुबह उठने का सोचते भी थे तो मेरे हस्बैंड कहते थे गुआ दान करनी है कि करना है, क्योंकि पूजा पाठ तो हम करते थे लेकिन वही अपना स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे 9 बजे 10 बजे, नहाए तो कर लिया। मेरे हस्बैंड कहते गुआ दान करनी है, तो मैं भी कहती हाँ गुआ दान करनी है, क्या करना है, बाद में उठ जाएंगे। लेकिन मेरे गुरु जी ने अमृत वेले उठाना सिखा दिया। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अमृत वेले उठाते हैं, सत्संग करवाते हैं, बहुत मेहर करते हैं, बहुत मेहर। अमृत वेले सत्संग में क्या करना है, अब जैसे हम सबको सत्संग है गुरु जी का, तो गुरु जी का सत्संग करना, तो दिमाग में ये भी था हाई हस्बैंड कुछ ये ना कि सुबह सुबह उठ के डिस्टर्बेंस, क्योंकि जब घर बनाया था तो यही सोच के एक कमरा हो, किचन भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हो, कमरे के साथ पूजा रूम हो, स्टोर हो, बाथरूम हो, ड्रेसिंग हो, ताकि जब और बड़े मैच्योर हो जाएं तो कहीं पर गोडों की प्रॉब्लम से ये ना हो कि मैं तो पूजा रूम ऊपर जा ही नहीं सकती, ये सब कुछ पास होना चाहिए। तो कुछ इसी तरह से गुरु जी ने बनवाया, जब घर बनाया 20 साल हो गए, लेकिन गुरु जी ने इसी तरह से बनवाया। तो इसी डर से मैं कि उठूंगी और मेरे हस्बैंड डिस्टर्ब होंगे, लेकिन नहीं, गुरु जी मेरे बड़ी मेरे करते, मेरा उठना मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लगता है। अगर मैं किसी दिन लेट हो जाऊं तो कहते की गल आज उठना नहीं, तो मैं शुक्राना करती हूँ पहले उनका फिर गुरु जी का, कि गुरु जी फिर, क्योंकि मैं उनका शुक्राना करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि उनकी गुरु जी की मेरे हैं और उनकी अगर साथ है, उनकी साथ की इजाजत है, तो मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, सब कुछ संगत के साथ, संगत के बीच में जाना करना सब। और गुरु जी ने मुझे अमृत वेला उठाते हैं, सत्संग करवाते हैं। इवन पिछले दिनों जब कोरोना का बहुत ज़्यादा जोर हो गया और लगभग हम भी पॉजिटिव थे, मैं और मेरे हस्बैंड भी, हमारे डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया लेकिन सिम्टम्स सारे पॉजिटिव वाले थे, उन दिनों भी गुरु जी मुझे अमृत वेला उठाते रहे। सुबह 3 बजे 4 बजे जब भी मैं नहा के सत्संग गुरु जी का करती रही, 3 दिन बीच में से मुझे 1-1 घंटा करना पड़ा। और सत्संग का मैं जैसे मैं आपको बता रही थी, बीच में भूल गई कि मैं सोचूं कि मैं शब्द कीर्तन लगा के सत्संग करूं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होएगा, ये कैसे हो पाएगा कि वो तो डिस्टर्ब हो जाएंगी और अगर मैं कानों पर लगाऊंगी मैं तो सो जाऊंगी। तो मुझे गौरी आंटी के थ्रू गुरु जी ने मैसेज भिजवाया कि जो आप अपना नित्य नेम करते हो, रामायण का पाठ करते हो, आप माला करते हो, जाप करते हो, वो सब आप करो। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे का सत्संग लगाओ। संगत जी ये आप सबके लिए भी है कि अगर अमृत वेले उठना है तो आप जो रूटीन पाठ करते हो, आप सिमरन करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप आराम से बैठ के मंत्र जाप करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पीकर से लगाओ, कोई जरूरी नहीं आप कानों पे लगाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप शब्द कीर्तन चलाओ, आप आराम से अपने कानों वो अपना अमृत करो, मंत्र जाप करो, अपना जो भी रामायण जी का पाठ है, शिव महापुराण है, वो सब करो। गुरु जी ने शिव महापुराण भी पढ़ना सिखा दिया 2-3 बार, वो भी तीसरी बार शुरू करवाया है। रामायण जी का पाठ भी गुरु जी करवाते हैं रोज, वो भी 2-3 बार मैं समाप्ति कर चुकी हूँ। गुरु जी फिर मेरे को वो सेवा लेते हैं, शुक्राना गुरु जी का। और इन्हीं ये पॉजिटिव डिटेल्स जिन दिनों में थी, मैं जैसे मैसेजेस रोज आते थे, तो मैं हमेशा जब मैं बीमार हुई तो मैं डॉक्टर मिले ने कहा कि वायरल है, तो मैंने गुरु जी कहा कोई नहीं गुरु जी आप मेरे कर्मास हैं कटवा दो, ठीक है कोई बात नहीं मेरे कर्मास कट रहे हैं। मैं हर बार गुरु जी को यही कहती और तबीयत डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी, मुंह का टेस्ट जा चुका था, स्मेलिंग पावर जा चुकी थी और वीकनेस तो हो ही जाती है,
बहुत ज़्यादा। लास्ट में एक दिन जब आया तो मैं रोज़ यही कहना, रात को मेरे को ऐसे आया कि सांस भी नहीं लिया जा रहा। मैं अपने हस्बैंड को कह रही मेरे को ना सांस नहीं लिया जा रहा, मेरे को कोई विक्स की वो डब्बी, तो मैंने विक्स की डब्बी स्मेल की, कोई स्मेल नहीं। फिर ये भी घबरा गए, क्या डॉक्टर के पास गए, उसने इनहेलर और डब्बी दोनों दी, कहते अगर डब्बी में से ना आए तो इनहेल करना, वो मॉर्निंग की बात है, लेकिन जब मेरे को स्मेल विक्स की डब्बी में से नहीं आई और सांस मेरे से लिया ना जाए, तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज, वो एक टाइम था गुरुजी प्लीज उन बचा लो। और संगत जी आप यकीन करके मानना कि अगला दिन मेरा यू टर्न था। सुबह मेरे हस्बैंड गए, वो जाके विक्स और इनहेलर दो चीजें लाए, तो उसने केमिस्ट ने कहा कि अगर विक्स की स्मेल नहीं आती आप इनहेल करवाओ, और जैसे ही मैंने इनहेल किया मेरे को नाक के अंदर उसकी विक्स की स्मेल आई केक, और उसके बाद मैंने जैसे चाय पी तो मुझे तुलसी जी की स्मेल आई, वहां से मेरी स्मेल वापस आनी शुरू हुई, और गुरु जी ने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा करी, और गुरु जी ने बिल्कुल टाइम कर्मस हर चीज वो सब किया, अपनी सेवा में वापस बुलाया। और इन कोरोना डेज में भी गुरु जी ने अपना पूरा सत्संग करवाया, हर महीने तो जो होता ही है, उसके अलावा भी गुरु जी ने जो जो सत्संग जहां जहां करवाए, कहे कि आज गुरु जी का मैसेज कि आज माँ अमृतन जी का एक घंटे का सत्संग करो और 11 संगत के साथ करो। संगत जी 11 संगत मैंने 12-13 को मैसेज कर दी कि कोई बीच में से नहीं आता तो कोई बात, जब हम सत्संग कर रहे थे इन बिटवीन 12-13 लोग हो गए, 14 लोग हो गए, मेरे हस्बैंड, एक बच्चा है जो घर में काम सारा करता है वो, मेरा बेटा, 14 लोग हम हो गए। लेकिन जब हमने गुरु जी का सत्संग समाप्ति पर आया, आरती करी, प्रसाद लिया, तो उन तीनों को ऐसा काम डाला, वो तीनों अपने गोदाम में चले गए, और हम सत्संग के बाद खाली 11 लोग ही बैठे थे, मेरे गुरु जी के हुक्म के हिसाब से 11 लोग ही बैठे थे जिन्होंने हमने महामृत्युंजय जी के घंटे का जाप किया, और गुरु जी ने रोज शाम को सत्संग करवाया, गुरु जी का शुक्राना। संगत जी मैंने कई बार सोचना, जैसे सत्संग सुनती हूँ कि सोल्स आई, संगत आई, तो मैं कहूँ गुरु जी मैं तो अकेली बैठ के करती हूँ सत्संग, और गुरु जी के स्वरूप में, चरण स्वरूप में मुझे नहीं पता किस किस को दर्शन होते हैं किस को नहीं होते, मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी के और साथ में 14 आंटीज के दर्शन होते हैं हमेशा, वो संगत मेरे साथ बैठ के सत्संग करती है, जब मैं गुरु जी का अकेले सत्संग करती हूँ वो संगत हम सब बैठते हैं, उसके अंदर 5-6 बच्चे खेलते हैं, उसी संगत में 2-3 बुजुर्ग बैठे होते हैं, वो गुरु जी के चरणों में बैठे हुए हैं सब, मुझे दिखते हैं, मुझे गुरु जी की संगत सारी उनके चरणों में दिखती है, हम सब बैठ के सत्संग गुरु जी का करते हैं, गुरु जी की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरु जी अपने चरणों में दर्शन करवाते हैं, जितने स्वरूप सारे लगे हुए हैं गुरु जी के पूजा रूम में, सारे के दर्शन गुरु जी अपने चरणों में करवाते हैं, गुरु जी के बहुत सारी कृपा है, मैं मतलब बता नहीं पा रही हूं कि कैसे कैसे ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है, अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू, लव यू, आप ही मेरे सब कुछ, सब कुछ। गुरु जी का एक सत्संग जो मैंने सुना पिछले करवा चौथ पे, गुरु जी कहते जब यहाँ पर सारी आंटीज बैठी, सबने सत्संग, वो जैसे सारा दिन सत्संग सुना किया, अब टाइम आ गया मून का टाइम, उसकी भेंट होती है सबको, तो कहते बा अंकलों को भेजे आंटियां बा कि जाके देखो चांद निकल आया कि नहीं, तो कहते गुरु जी की अपनी बात, तो मुझसे बोली हुई बात जो मैंने सुनी हुई सत्संग के थ्रू, तो गुरु जी कहते ले सारे बाहर चांद मिखी जाते, चांद तो अंदर है, और वो बात मुझे इतनी गुरु जी की अप्रोचेबल लगी। संगत जी मैंने पिछला करवा चौथ और इस बार वाला करवा चौथ अपने चांद को एक के खोला, और फिर बाद में दूसरा चांद देखे, दूसरे अपने चांद को देखा, मैंने पहले अपने इसी चांद को देख के अपना व्रत खोला, क्योंकि मेरा चांद तो यही है जो अपनी ब्लेसिंग्स, अपने सारी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर
ऐसे करता है मुझको, इतना ब्लेस करता है, इतना ब्लेस करता है, मैं बता नहीं सकती। उनका अपने साथ मुझे जोड़ना और मेरे साथ सारा परिवार का जुड़ना, छोटा सा मेरा ग्रैंडसन है, वो इतना इतना प्यार करता है गुरु जी के स्वरूप को, आके ऐसे हाथ लगाते हैं उनके, जैसे पहले नीचे उसके अप्रोच में है तो उनके दांतों को छेड़ेगा, उनके चीक्स को छेड़ता है, आके अपने टॉयज दे जाता है, लो गुरु जी एक, एक एक कार आप लो, एक मैं लो, फिर कहेगा उनको भूख लगी है, उनको मीठा मीठा प्रसाद बना के दो। तो ये सब गुरु जी की मेरे हैं, गुरु जी सब पर अपनी मेहर बरसाते रहे, कृपा करते रहे, गुरु जी का बहुत शुक्राना। संगत जी मैं चाहूं तो यहाँ से मैं एक दिन पूरा हिल नहीं सकती गुरु जी की महिमा का गुणगान करते रहे, पर मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी परमिशन है आगे बढ़ने की। तो अगर मुझे कोई साइन देंगे आंटी तो मैं आगे चलूं, नहीं तो मैं शुक्राना गुरु जी आपके आज के सत्संग के लिए, आपने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है। मुझे क्या, मैं कहती हूँ मेरी यमुनानगर की जितनी संगत है सबको, सबकी ब्लेसिंग्स गुरु जी के ऊपर, गुरु जी की इतनी सबके ऊपर ब्लेसिंग्स है, कितने कैसे कैसे गुरु जी ब्लेस करते हैं, हम तो देख देख के हैरान होते हैं कि गुरु जी का ब्लेस करने के तरीके कितने हैं, कितने तरीके हैं और कैसे वो ब्लेस करते हैं हमें। मतलब हर रोज एक नया सत्संग, हर रोज मुझे कोई ना कोई फोन आता है, आंटी अब तो मैसेजेस इस कदर आने लग गए कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी उनको कहते हैं सपने में आके वासन आंटी नाल गल करो, गुरुजी मैं कैसे बता सकती हूँ, आप तो मेरे से बात नहीं करते, लेकिन वो भेजते हैं मेरे पास, मैं खुश होती हूँ, गुरुजी आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता आप क्या करते हो, लेकिन आप करवा रहे हो। ऐसी ऐसी संगत को बुलाएंगे किसी सत्संग में और मैसेज मेरे पास भेजेंगे, आज फलानी संगत को सत्संग पे बुलाना आंटी, आज नहीं आंटी को इस सत्संग में बुलाना, उस संगत को मैं जानती नहीं, मुझे नाम नहीं पता, मैं क्या करूं। फिर मैं जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करती हूँ, देखती हूँ तो गुरु जी वो बंदा सामने मेरे खड़ा होता है, मतलब एक फोन दो फोन करने के बाद वो बंदा मेरे सामने है, हाँ जी आपने आना है जी, आपकी सर आपको गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी की मेरे हैं आपको बुलाया उनके पास, वो पहुंच जाता है, मतलब मैं उनके ऊपर बलिहार जा सकती हूँ, करते क्या हैं, कैसे करती हैं, कैसे उन्होंने मेरा विश्वास दिन पर दिन जो मेरा पहले दिन का था और आज का, मैं कहती हूँ उस विश्वास को गुरुजी ने टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेकर गए हैं, इतने सत्संग इतनी ब्लेसिंग्स, कमाल 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 है गुरु जी आपका, कमाल है, बहुत मेरे हैं आपके, बहुत मेरे हैं। मैं एक बार देख के फिर आपको एक और कोई सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने सब कॉपी में लिखे हैं। अच्छा मेरे साथ प्यार करना गुरु जी बहुत करते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत प्यार करते हैं। मेरी बेटी पीछे आई तो गौरी, जैसे आपको बताया वो मेरी बेटी की एज की है जो गुरु जी के चरणों में चली गई, वो मुझे बहुत प्यार करती है और उसके थ्रू गुरु जी मेरे को मैसेजेस भेजते हैं। तो मेरे भाई का जन्मदिन था 31 मार्च को, तो मैंने उससे बात करी, उसको विश करा, और जैसे उससे विश करी तो उसके थोड़ा एज यू पीपल नो ये कोरोना की वजह से बिजनेस सबके डामाडोल, तो उसने भी थोड़ा परेशान होके कहा कि दीदी काम कूम कैसे है। तो मैं ना उससे बात करके आके गुरुजी के पास बैठ गई, कुर्सी यहाँ पर रखी हुई है मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने अपनी, वहां पर आके बैठ गई और रोई, गुरुजी आप प्लीज उसका थोड़ा सा कर दो, देख लो उसके लिए काम कूम का। संगत जी फिर वही बात, वही एक दिन बाद के दो दिन बाद गौरी मेरे को कहती है आंटी मैंने आपको एक सत्संग बताना है, क्योंकि कोई भी मैसेजेस कोई भी कुछ हो तो गौरी मेरे को बताती कि आपने करना आगे गुरुजी का हुक्म है। कहती आंटी कोई ना संत जी हैं, मैं कह अच्छा, कहती आप ना मेरे से जब भी फ्री हो मेरे से पूछना जरूर, मैं कह मैं फ्री हूँ बता, कहते कोई संत जी हैं तो गुरुजी ने वो मुझे दिखाए हैं सब विजन में, और कहते हैं इसका ना भाई लुधियाने में है, लुधियाने में भाई भी दिखाया है,
वो भाई उसका घर ठीक ठाक सा है, बहुत ठीक है, मतलब नॉर्मल सा घर है। कहते एदा ना ना टीनू है, ते एनू कह दा काम चल जाएगा, कोई गल नहीं, तू ए पाठ कर, एनू ए पाठ करने वास्ते कहना। तो कहती आंटी ये है, मुझे नहीं पता वो संत जी कौन है, मुझे नहीं पता वो टीनू कौन है, पता नहीं कौन लुधियाने में, मैं कुछ नहीं जानती, ये संदेशा ले लो और अपने आप ढूंढो। संगत जी मैं फिर वही हैरानी, और वही मुझे पता है वो संत मेरे बड़े भाई, वो कथावाचक है, उनके दर्शन। उसके बाद वो जो भाई दूसरा लुधियाने वाला दिखाया, जिसका उस दिन जन्मदिन था, जिसके लिए मैंने गुरुजी से प्रेयर करी थी, उसका उसका दिखाया और कहा कि ये पाठ, ये गायत्री मंत्र पाठ करे और ये वाला दुर्गा स्तुति का पाठ ये करे और इसका काम चल जाएगा। तो बताओ कैसे कैसे विश्वास जरा सा भी हिले और पक्का हो जाता है, और पक्का हो जाता है। मैं कहती हूँ इतने शुक्राने हैं मेरे गुरु जी के, इतने शुक्राने कि हम करते हुए थक सकते हैं, लेकिन शुक्राने कम नहीं होने चाहिए, इतने शुक्राने मेरे गुरु जी के। मेरी बेटी आई, गौरी आई हुई थी, तो वापस में चेस निकली, तो कहते हैं हाँ कल गुरु जी मेरे साथ चेस खेलते, गौरी कहते। तो मेरी बेटी कहती है गुरु जी चेस खेल लेंगे, तो कहते हैं हाँ गुरु जी ने मेरे साथ चेस, उसने कहा गुरु जी को चेस आती है। तो ये बात हो गई, ये बात यहाँ पर खत्म है। उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद गुरु जी कहते हैं काके दे गोदाम च सत्संग है, गौरी से बात कर रहे हैं कि काके दे गोदाम च सत्संग है, और कुछ मेरी बेटी आंचल के लिए कहते हैं हाँ लोग तो मैंने कुछ समझते ही नहीं। कहते क्यों तुहानू कौन नहीं समझता, वो काके की भैन कहती पी सी ना भी गुरु जी नू चैस खेलनी आती है, लोग तो मैंने समझते ही नहीं इंटेलिजेंट। तो मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि हमारे पल पल के साथ गुरु जी हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को वो देखते हैं, हमारी हर चीज का जवाब देते हैं। मैं कहती हूँ कमाल, कमाल हो मेरे गुरु जी, आप कमाल हो, आपके साथ जुड़ के तो मैं कहती हूँ, और रोना मुझे एक ही चीज का आता है कि गुरु जी इतनी कटने के बाद आए, इतनी देर से, अब तो आधी से ज्यादा निकल गई, अब रह क्या गया पीछे। धन है वो छोटे छोटे बच्चे, धन है वो छोटी उम्र के बच्चे जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जो पैदा होते ही माए लेकर आती। मैं कहती हूँ धन है वो, बहुत बहुत भागों वाले हैं वो जो गुरु जी के साथ जुड़ गए। हम तो इस उम्र में आके 40+ 45+ होके गुरु जी के पास पहुंचे, तो क्या पहुंचे, अब क्या रह गया पीछे, तो ऐसे ही रह गए जिंदगी में। पर जितना मिला उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख करोड़ों बार शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना आपने जो दिया ये हमारी किस्मत, जो हमें नहीं मिला वो हमारा बैड लक, लेकिन आपका मिलना हमारे लिए ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, अनंतम ब्लेसिंग्स। गुरु जी अपनी मेहर बरसाए रखना अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर, गुरु परिवार पर, हमारे जमुनानगर का गुरु परिवार, ये हमारा ये ग्रुप जिस पर हमें सत्संग, सब खूब फले फूले आपकी कृपा से, सब खूब फले फूले, सबको ब्लेस करो। मैंने सुना हुआ था कि जब ठाकुर जी ने अपनी रासलीला करी शरद पूर्णिमा को, तो हर सखी के साथ वो थे ठाकुर जी, थे मेरे गुरु जी, पल 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 पूरी संगत, चाहे वो लाखों करोड़ों अरबों, फौरन में यहाँ सबके साथ। एक बार जो गुरु जी के साथ जुड़ जाता है, मैं नहीं समझती कि गुरु जी उसका साथ छोड़ते हैं, संगत चाहे छोड़ जाए, संगत अपनी गिनी बजाओं से छोड़ सकती है, वैसे तो संगत भी नहीं छोड़ती, लेकिन नहीं मेरे गुरु जी कभी कभी साथ नहीं छोड़ते। और आज इस सारे सत्संग को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस सब के लिए मैं विशाल गांधी, इसने मेरे को गुरु जी से मिलवाया, उसका शुक्राना, गांधी परिवार का शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरु जी के साथ मिलवाया, मेरे भोले बाबा के साथ मुझे मिलवाया, मेरे इष्ट देव के साथ मुझे मिलवाया। मैं इस बात को कभी अपनी इस जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती कि उनकी वजह से आज मैं अपने गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी फिर दोबारा मौका मिलेगा, हम फिर से सत्संग शेयर करेंगे। आज मैंने बहुत टाइम ले लिया और ये सब मैंने गुरु जी की आज्ञा रात को ली थी कि गुरु जी मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं। और गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था कि नहीं हो जाएगा, तो वो गुरु जी ने करवा दिया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, लव यू, ब्लेस मी गुरु जी, ब्लेस एवरीवन, एवरीवन। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार संगत जी हमारे पूजा रूम में गुरु जी की गद्दी के दर्शन जरूर करें, यहाँ पर गुरु जी अपना सत्संग करवाते हैं अपनी संगत के साथ जो उनके चरणों में है। और मेरे साथ तो लगभग रोज कोरोना पीरियड में हमने करा है। ये देखो मेरे गुरु जी की मेरे, ये देखो ये मेरे भोलेनाथ, ये मेरे ठाकुर जी, ये देखो ये सब सब मिलके बैठे हैं, मिलकर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरे गुरु नानक देव जी मिलकर ब्लेस कर रहे हैं, बहुत 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 मेहरे हैं। ये देखो संगत जी, संगत जी ये मेरे गुरु जी, मैंने इनको इनको ये वाले स्वरूप को मैं जो है मैं शाह जी कहती हूँ। ये मेरे शाह जी हैं, शाह जी वो होते हैं ना जो सब कुछ देते हैं, तो ये मेरे शाह जी हैं, ये सब कुछ ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी।